गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडेज आर सब्जेक्ट इज मैथ एंड टूडेज आर न्यू टॉपिक इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. ओके तो लेट्स स्टार्ट इट. द फेस वैल्यू ऑफ अ टिकट इन अ नंबर इज अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टिकट. फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 52 द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5. यानी कि फेस वैल्यू 5 की क्या निकल रही है 5 एंड द फेस वैल्यू 2 इज 2. ठीक है. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट नंबर डिपेंड अपॉन इट्स प्लेस इन द नंबर. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 51 TO 2 यानी कि TO 2 का मीनिंग क्या हो गया वंस एंड टेंस. हमारे पास क्या नंबर है 51. अब आपके इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है. पहले वंस की निकाल लेंगी. वन की वन इज एट वन प्लेस यानी कि एक ही जगह यूजर. सो द प्लेस वैल्यू इज वन. फाइव टेंस यानी कि फाइव को कितनी बार करना है 5, 10, 20, 30, 40, 50. फाइव इज अ टेंस प्लेस वैल्यू. सो द प्लेस वैल्यू 5 इज 5 टेंस यानी कि 50. ऐसी आपने इसकी प्लेस वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं. अब हमें बता रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 68. अब किसकी वैल्यू निकालनी है मैंने 6 की. तो हमने 6 को रखा. 6 की कितनी आ जाएगी 6060. प्लेस वैल्यू 9. अब देखो 9 नंबर क्या है वंस में है तो 9 की क्या आ जाएगी 9. प्लेस वैल्यू 3 यानी कि 3 नंबर क्या है 23 है तो 3 नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी वंस में आएगा तो 3. इन द नंबर 75 7 इज द प्लेस वैल्यू यानी कि 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेंस में आ जाएगा 1 है तो 10 लग जाएगी 70. इन द नंबर ऑफ 41 4 यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40. ऐसे ही आपने निकालनी है. 9 की 9 की वैल्यू निकाल देना. चाहे 2 नंबर है तो वहां 2 पूछे तो 2 की वैल्यू निकालनी है आपने. फेस वैल्यू 4 की तो 4 की निकाल देना आप. फेस वैल्यू 2 है तो 2 की निकाल देना. यह मैंने आपको एग्जांपल कर दी है. फिल इन द ब्लैंक 7 टेंस एंड 2 वंस हाउ मेनी 72. तो पहले अपने 72 लिखने हैं फिर इसके स्पेलिंग लिखनी है. 2 टेंस 6 वंस यानी कि 2 लिखा आपने 2 टेंस यानी 20. 6 वंस इक्वल टू 6 26. यहां आपने 26 के स्पेलिंग मेंशन करने हैं. 4 टेंस 3 वंस 4 यानी कि 4 टेंस यानी कि 40 और 3 वंस ऐड कर दे तो 43. 5 टेंस 55. यहाँ आपने इसमें इसके स्पेलिंग मेंशंस करने हैं. एडिंग विथ रीग्रुपिंग. ठीक है. अब आप एडिंग विथ रीग्रुपिंग सीखेंगे. एड 63 एंड 28. ठीक है. ये आपने आपने देखा तो पहले वंस की निकाली फिर इन्होंने टेंस की वैल्यू निकाली है. एज द सम वन एक्सिट 9 वी मस्ट रीग्रुप दम. ठीक है. अब देखिए आपने क्या करना है. इसमें कैरी वाले सम्स जिसे हम कहते हैं वही हैं. ये सेम प्रोसीजर. तो आपने कैरी वाले देखे हुआ 63 एंड 28. 3 में 8 प्लस करा तो 11 आया. 11 का 1 यहाँ लिखा 1 कैरी दे दिया आपने. 6 प्लस 2 सेम है. 6 प्लस 2 इक्वल ऐड कर दिया 1 तो आ गया 91. अब ये देखो 4 प्लस 7 4 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11. ठीक है. 11 का 1 कैरी दे दिया हमने. अब 6 7 8 9 ऐसे करना है. 8 7 15 7 माइंड में रखना है. 8 अंदर काउंट करना है. ठीक है. 7 में 8 प्लस करा तो 15 1 कैरी आ गया आपका. आप कैरी नंबर को ऐड करो 8 और 1 प्लस करा 9 तो इसमें नंबर नहीं है तो 9 आ गया. 8 प्लस 3 11. 11 का 1 कैरी कर दिया आपने. 7 8 9 तो 91. ऐसे आपने सारे सम्स को प्रैक्टिस करना है. ओके बेटा. अब है सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. अब सब्ट्रैक्शंस करते हैं हम. सब्ट्रैक्शन 18 प्लस 18 फ्रॉम 53. आपको पता है ऑलवेज बिगेस्ट नंबर ऊपर लिखा जाता है और 18 को जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हम नीचे लिखते हैं.
ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है, आपने इसमें से पहले हमने कैरी ऊपर दिया था उसको ऐड किया था, अब हम कैरी लेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ बच्चा सम्स की। अब ये देखिए 62 माइनस 28, आपको पता है 62 में से 8 नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, 2 इज स्मॉलेस्ट नंबर, 8 इज बिगेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 इधर कैरी ले लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 12 नंबर बन जाएगा। यहाँ अगर 16 में से 1 इसको दे देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे काट देते हैं, 12 में से 8 माइनस करोगे 4, 5 में से 2 माइनस करोगे 3। फॉर एग्जांपल अब 6 में से 8 नहीं जा सकते तो आप क्या करोगे, 1 यहाँ से कैरी ले जाओगे, तो आपके पास कितना बन जाएगा, ऐड होके 1 यानी कि टेंस में चला जाता है वो, 10 प्लस 6 16। ठीक है, तो अब आपका यहाँ रह गया 5 और यहाँ बन गया आपका 16, 16 में से 8 गया 8 और 5 में से 4 गया 4। ये आपने सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी है। जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए, देर आर 32 क्रॉन्स इन अ बॉक्स, 12 क्रॉन्स आर ब्रोकन, हाउ मैनी क्रॉन्स आर लेफ्ट। यानी क्या बोल रहे, 32 क्रॉन्स थे एक बॉक्स में, ठीक है, और आपके 12 क्रॉन्स क्या ब्रॉक हो गए, ब्रॉक मीन्स टूट गए, तो आपके पास कितने लेफ्ट बचे, 32 माइनस 12, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 20। These are 56 seats in a bus. Out of these seats, 23 are empty. How many people are sitting in a bus? Total seats कितनी थी, 56। कितनी blank रह गई, फिर empty कितनी है, 23। तो आप इसमें से इसको minus कर दो कि तो आपके पास exact people पता चलेंगे कितनी sitting कर रखे हैं bus में। Pew has 54 flowers. Her friend has 37 flowers. How many in all? अब देखो ऑल है यानी कि ऐड करके पता चलेगा कि टोटल कितने हैं, 54 प्लस 37, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी चला गया, 5 6 6 में 3 प्लस करो 91 आ गया आपका। आउट ऑफ 64 पेजेस ऑफ हिज जीके बुक रोहित 327, हाउ मैनी पेजेस येट टू बी रीड। यानी कि उसके टोटल पेजेस कितने, 64, उसने कितने रीड कर लिए, 27। तो अब उसके पास कितने और बचे रीड करने के लिए, तो 64 माइनस 27, तो 64 माइनस 27, ये आप खुद करके देखोगे। नेहा हैज 12 बॉल्स, शी बॉट 19 मोर, टोटल बॉल उसका 12 है, उसने 19 और ले ली, हाउ मेनी बॉल डस इन ऑल। आपको पता है जहाँ ऑल आता है वहाँ हम प्लस करते हैं, तो 12 प्लस 19, ये आपने ऐड करके देखना है। ओके बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, चैप्टर 5 आपका। होप सो ऑल दिस पेज यू कैन अंडरस्टैंड। तो ओके, थैंक यू।